भाई मैं इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। सही है, आपको करना बस ये कि पहले का दूसरा आंसर है, सही है दूसरे का तीसरा आंसर है, सही है, ऐसे सबके आंसर आपने सेव कर लिए यहाँ पे। जैसे ये आपने आंसर लिख लिया कि पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का पहला, ऐसे आपने सबके आंसर लिख लिए। उसके बाद आपने दबाना है इक्वल्स टू, इक्वल्स टू दबाया आपने, आपने दबाना है शिफ्ट आर सी एल। अच्छा ये सब आपके समझे फाइलें हैं, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एम, ये सब फाइल है। आपने आपने शिफ्ट आर सी एल ए दबा दिया तो ये सेव हो गया ए फाइल में, इक्वल्स टू दबा दिया आपने, सही। अब ये सेव हो गया, सही है। अब आप कुछ भी करके देख लो, कैलकुलेटर आपने ऑफ कर लिया, सही है। ऑन करके अगर आपको आंसर चाहिए तो शिफ्ट, सही है ए दबाया, नहीं नहीं सॉरी शिफ्ट ए नहीं, आपने अल्फ़ा ए दबाया तो ये आपका आ गया आंसर। इस तरीके से आप बी में भी सेव कर सकते, बी में आपने सेव कर दिए, सही है। ये इक्वल्स टू दबाया शिफ्ट आर सी एल, चलो मैं बी में नहीं मैं डी में करता हूँ, डी में आंसर हो गया सेफ, सही है। अब निकालना कैसे, अल्फ़ा दबाया डी दबाया, ये आ गया आपका आंसर, सही है।